हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे दाबेली। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो बॉइल्ड आलू ले लिए हैं और इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ऐड करें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 पैकेट मैगी मसाला ऐड करें, नमक स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आलू को इस तरह दबाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। मसाला रेडी है। दाबेली बनाने के लिए अब हमने यहाँ पर पाव ले लिए हैं और पाव को मैंने इस तरह से बीच में से कट कर लिया है। अब हम पाव में एक तरफ हरी चटनी लगा लेंगे। दूसरी तरफ मीठी चटनी लगा ली। अब इसमें आलू मसाला फिल कर लें। मसाला सिंक, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक सेव, अब हम दाबेली को सेक लेंगे। तवे पर घी लगा लें। दाबेली रख देंगे, ऊपर से भी घी लगा लें और अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सिकने दें। मैंने एक साथ 2 दाबेली रख दी हैं सिकने के लिए, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सिकने दें। एक तरफ से पलट देंगे। दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लें। दाबेली अच्छे से सिक चुकी है, गैस की फ्लेम बंद कर दें। अब हम दाबेली को सर्व करेंगे। दाबेली रेडी है।